चलिए बात कर लेते हैं भारद्वाज जी से। स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार मैम। नमस्ते सर। जय हिंद भारद्वाज जी, आपका स्वागत है। रजनी नाम है सर मेरा। रश्मि भारद्वाज। अच्छा। जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है सर। मेरे ना वेरिकोज की प्रॉब्लम है, तो मैं 3 महीने से दवाई ले रही हूँ। कौन सी दवाई? फर्क तो है सर मुझे, पर सर मुझे ना बीच बीच में रह रह के बहुत पेन होता है, तो रह रह के पेन होता है। और दूसरा सर ना, ये जैसे मैं रात को सोती हूँ तो मेरा जो ब्लड सर्कुलेशन नहीं अच्छे से होता, कभी बाजू का रुक जाता है, कभी मेरा ये टांगों का रुक जाता है, ऐसे होता है मुझे प्रॉब्लम ये। और जो जो नसें जो है ना, रगे जो है मेरी बहुत सूज गई है, और उससे ना नीचे कार्टिलेज जो होते हैं, नीचे पिंडली के पास कार्टिलेज जो होते हैं, उसमें ना वो थक्के थक्के से जम गए हैं सर। ये प्रॉब्लम है मेरे को। और मुझे ये प्रॉब्लम और भी है एक, कि मुझे ना एसिडिटी की भी, तो मैं नमक जतन ले रही हूँ और टी केयर भी खा रही हूँ। मैं 3 महीने से टी केयर खा रही हूँ और नमक जतन ले रही हूँ, उससे तो मुझे फर्क है। पर सर जैसे नमक जतन मेरा खत्म हो चुका है, उसके बाद भी मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए कुछ बताओ। और ये मेन तो मेरा वेरिकोज की प्रॉब्लम के लिए सर, ये ज्यादा प्रॉब्लम है मुझे, क्योंकि नसें जो मेरी पेन कर रही है। 3 महीने से दवाई ले रही हूँ मैं टी केयर, पर इतना रिलीव नहीं मुझे पहला, मतलब 100 में से मुझे 10% फायदा हुआ है अभी, तो इतना फायदा नहीं। और कमजोरी बहुत होती है सर मुझे। ठीक है सर। और सर मेरा एक सवाल और है, मेरे हस्बैंड है वो एक डायबिटीज, उनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो आपने कहा था कि ए, क्या बोलते हैं इसको, जामुन की गोंद, ठीक है सर, तो मैंने मंगवाई है, मैं उनको एक बार देती हूँ, क्या वो 2 बार देनी है? ठीक है सर। और मैंने एक चीज और मंगवाई है, एक वो कलौंजी का सिरका मंगवाया सर, कलौंजी का सिरका मंगवाया, तो उनको ना जुकाम भी रहता है, तो उनको जब मैं देती हूँ तो उनको थोड़ा सा जुकाम जैसे हो जाता है, उनको नजले की प्रॉब्लम है, तो उनको दूं मैं या नहीं दूं सर, ये सवाल है मेरे। और वेरिकोज के लिए सर मुझे प्लीज जरा बताओ, और जो नसे मेरी ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा, उनके लिए कोई दवाई बता दीजिए। ठीक है मैम, ठीक है जी। मेरे ख्याल से मैडम से रोज ही बात हो जाती है। जी जी। और भगवान करे कि आपको और ज़्यादा फायदा हो जाए। एक तो जो दुपट्टा ओढ़ते हैं महिलाएं, उसको ऐसे लपेटिए अपने हाथ पर, और वो जब गोला सा बन जाए तो अपनी कमर के नीचे रख के पीछे, जहाँ पर आपकी कमर मुतासिर है, हिप से थोड़ा ऊपर, और उस पर लेट जाइए, सुकून से लेटिए, जितना लेटा जा सके, 2-4 मिनट बस, ऐसे कई बार लेटिए तो और जल्दी फ़ायदा आपको होगा। वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम कर लें, और वज़न ज़्यादा है, नमक जैतून आपके पास है तो उसके साथ खाने का सोडा भी यूज़ करें, तो वज़न भी साथ में कम होगा तो और जल्दी फ़ायदा होगा। और यहाँ पर जोर नहीं चलता, किसी को बहुत जल्दी फ़ायदा होता है, किसी को बहुत देर देर में फ़ायदा होता है, और कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके लिए मैं मना करता हूँ तो वो ना करें। जैसे महिलाएं बहुत ज़िम्मेदार होती हैं, घर की ज़िम्मेदारी बहुत होती है, अब हस्बैंड है खुद हैं, तो अब हस्बैंड से कुछ काम कराना पसंद नहीं करती घर का, तो खुद ही झाड़ू पोछा कर लेती, झाड़ू पोछा ना करें, चाहे किसी से कराना पड़े, और वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करें, वज़न ज़्यादा हो तो वज़न कम करें, अब जल्द ही अच्छी होंगी, किसी को ज़्यादा वक्त लगता है जी।